पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहीदी दिवस में समर्पित धार्मिक समागम शहर कस्बों के पिंडों में श्रद्धा के उत्साह नाल करवाए जा रहे हैं। इसे लड़ी तहत श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पुरब में समर्पित समागम जिला हुशियारपुर के पिंड तलवंडी अराइया के गुरद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी विखे भी श्रद्धा के उत्साह नाल करवाया गया। यह समागम गुरद्वारा साहब के मुख सेवादार बाबा हरदेव सिंह जी की रहनमई हेठ करवाया गया। पहला श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए। इस तो उपरंत आए रागी ढाडी ते कविश्री जथिया ने गुरबाणी कीर्तन वारा ते कवितावां राही आई संगत नूं शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह जी की कुरबानी तो जाणू करवाया। इन्हां जथियां विच भाई बलविंदर सिंह जी ते साथी, भाई सुरेंद्र सिंह ते साथी आनंदपुर साहिब वाले, भाई रणवीर सिंह जी ते साथी मुकीमपुर वाले, भाई जगतार सिंह अमृतसर वालों के ढाडी जथे, ज्ञानी बलवीर सिंह बल्ली के ढाडी जथे ते ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी के कविश्री जथे ने अपनी हाजरी लगवाई। इस मौके वख-वख धार्मिक अस्थानां तों पहुंचे महापुरशां ने अपनी हाजरी भरी, जिन्हां विच बाबा बलवीर सिंह बिरत आश्रम हरियाणा, संत बाबा सतरंजन सिंह गुरद्वारा दुख निवारण साहब धुग्गे, संत बाबा तेजा सिंह जी ते होरनां ने अपनी हाजरी भरी अते पंचम पातशाह दी शहादत बारे संगतां नूं जाणू करवाया। इस मौके पुज्जियां पंथ दीआं महान शख्सियतां ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर साहब, ज्ञानी मल सिंह जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी हैड ग्रंथी तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब वालिया ने अपने संबोधन विच कहा कि सिख कौम नूं गुरुआं रहबरां दी कुर्बानियां तों सीध लै के सिखी दे प्रचार ते प्रसार लई अगे आउणा चाहीदा है। गुरु पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना ना करदे हरमंदर साहब की रचना ना हुंदी, खुसरव गुरुदेव पातशाह जी प्रशादा ना छकाउंदे, चंदू की पुत्री का रिश्ता सतगुरु पातशाह जी ना मोड़दे, शहीदी ना होंगी? बिल्कुल नहीं। ये शहीदी अवश्य होनी सी, क्योंकि जिस महल की नींव गुरु नानक पातशाह ने रखी उसनूं मुकम्मल करन दे वास्ते पंचम पातशाह ने शहीदी दित्ती है। जिथे सतगुरां ने बाणी का युग आरंभ किया, कुरबानी का भी सतगुरु पातशाह ने किया।
सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने यह गुरबाणी की सर्वोच्चता कायम रखने लई समुची गुरबाणी की एकत्रता लई सतगुरु जी ने अमृतसर की धरती से भाई गुरदास जी को लखारी डाया, रामसर के स्थान पर गुरबाणी सतगुरु ने टकाई। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जिते पंजा गुरु साहबान की बाणी उस वे लटाई, हजूर ने भट्टा की बाणी लटाई, 15 भगत की बाणी लटाई, कुछ गुरसिखा की बाणी लटाई। यह बड़ा परम उपकार सतगुरु ने किया है। गुरबाणी की संपादना करके गुरदेव ने जो कच्ची बाणी लिख रहे सन लोग समागम दौरान संगतां लई ठंडे मिठे जल दीआं छबीलां भी लगाईआं गईआं सन। एक मैडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया जिथे मरीजां दा चैकअप करके मुफ्त दवाईआं दित्तीआं गईआं। इस मौके गुरद्वारा साहिब दे मुख सेवादार संत बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि सानू अपने गुरुआं दीआं सिक्ख्यावां तों सेध लै के समाजिक कुरीतियां नूं दूर करदिआं बाणी अते बाणे दे धारनी बनना चाहीदा है। इस मौके आए महापुरशां अते पतवंतियां दा बाबा हरदेव सिंह जी वल्लों गुरु घर दे सिरोपाव दे के सन्मान कीता गया। स्टेज की संचालना प्रिंसीपल सरदार अमरीक सिंह जी अते सिख चिंतक सरदार भगवान सिंह जौल वालों सांझे तौर पर की गई। समागम दौरान तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब तो पहुँचे पांच प्यारा वालों अमृत संचार भी किया गया, जिस दौरान अमृत छक के कई प्राणी गुरु वाले बने। गुरु जी का अतुट लंगर तैयार किया गया जिन्हों संगत ने पंगत बैठ के प्यार छकया। ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ NRE ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਜਵਾਲ, ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।